नमस्कार, मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, न्यूज चैनल्स, नेशनल जितने भी अखबार हैं उनमें आप इसके बारे में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं। बच्चे बंद आंखों से किताब पढ़ पा रहे हैं, बच्चे साइकिल कर पाते हैं, यानी बिना देखे देखने का सहन ले पा रहे हैं। आखिर मिड ब्रेन है क्या और ये किस प्रकार वर्क करता है, आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। हम देखिए कि एक ऐसी चमत्कारी पद्धति है जिसके बारे में रिसर्च तो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज इसका एक नया रूप हमारे सामने निकल गया है। ये विज्ञान और हमारे वैदिक अनुसंधान का एक मिला जुला रूप है। तो आज हम मिड ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्या है, मिड ब्रेन क्या बेनिफिट करता है, और बिना किसी आवश्यकता के किसी भी चीज का अध्ययन या रिसर्च नहीं होता। हम देखें कुछ बच्चों के सामने एक बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि रिमेम्बर, उनको याद रखना। आज स्कूल का सिलेबस इतना हाई होता जा रहा है, इतना टफ कॉम्पिटिशन है, और उसके बाद भी बच्चे इन चीजों को कंसंट्रेट कर पाए ये बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से मोबाइल, टीवी, अदर कुछ इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चों का कंसंट्रेशन को भंग भी कर रहे हैं। तो मिड ब्रेन बच्चों का कंसंट्रेशन पावर, उनका मेमोरी पावर और पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करता है, बच्चा को एक सोशियल बनाता है। तो हम देखें कि बाकी ये पद्धति काम कैसे करती है। हम देखें कि हमारा जो ब्रेन है उसको बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेकिन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या है। बेसिकली क्या होता है कि साइंटिस्टों का मानना है कि जो बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, और जो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं उनका राइट ब्रेन डेवलप होता है। तो इसके आधार पर 90% लोग लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन का दो पार्ट है राइट एंड लेफ्ट, जिसमें से लेफ्ट ब्रेन का 90% यूज होता है, तो राइट ब्रेन का हम लोग 10% यूज करते हैं। अब दोनों में हम देखेंगे दोनों के फंक्शंस क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे वर्ड्स को, शब्द को, नंबर्स को, लिस्ट को, या बात करें लॉजिक और एनालाइज की चीजों को मैनेज करता है, यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन अलग। तो वहीं हम देखते हैं कि राइट ब्रेन का जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग है। राइट ब्रेन हमारे कलर्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है, डे ड्रीमिंग का काम करता है, या हम बात करें कि वो एक प्रकार से रिदम है, इमेजिनेशन है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, ठीक है, और क्रिएटिविटीज है, इनको मैनेज करता है हमारा राइट ब्रेन। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के दोनों के फंक्शन अलग है। तो लेकिन दोनों को एक ब्रिज की तरह जोड़ने के लिए एक वो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, जिसको आजकल साइंस की भाषा में एक अलग वर्ड का यूज किया जाता है, मेसेफेलॉन, यानी मेसेफेलॉन एक जिसे मिड ब्रेन कह सकते हैं, वो लेफ्ट राइट ब्रेन का दोनों का कोऑर्डिनेशन करता है, ताकि दोनों में आपस में एक ब्रिज की तरह वर्क कर सके, और वर्क जो हमारा ब्रेन का पावर है वो कई गुणा बढ़ जाए। लेकिन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक एवरेज पर्सन 1 से 10% ही अपने ब्रेन का यूज करता है, यानी हमारे ब्रेन में अपार क्षमताएं हैं, बहुत कैपेसिटीज हैं, लेकिन हम लोग अपने ब्रेन का एक लिमिटेड यूज कर पाते हैं। तो मिड ब्रेन को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, यानी मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाए, तो हमारा ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का पावर और यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। नॉर्मली कहा जाता है हम हमारे बॉडी के जिस हिस्से को जितना यूज करेंगे वो उतना डेवलप हो जाता है। तो मिड ब्रेन की जो एक्टिविटीज है
जिसके अंदर हम लोग बच्चों को डांस कराते हैं, कुछ म्यूजिक थेरेपी होता है, कुछ पजल्स होते हैं, कुछ मेडिटेशंस होता है, कुछ ब्रेन जिम है, आई जिम है, इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज है जिनके थ्रू हम अपने ब्रेन को एक अच्छे लेवल पे ले जाते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन है वो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के रूप में वर्क, तो उनको हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर बच्चे को 15 मिनट डेली अगर एक प्रैक्टिस घर पे कराई जाए तो बच्चे का ब्रेन बहुत तेज और एक्टिवेट हो जाता है। बच्चा बिना देखे देखने का सेंस लेने लगता है, बिना छुए छूने का सेंस लेने लगता है। यानी ये माना जाता है कि हर कलर की अपनी एक प्रोपेंसी होती है, लेकिन जब बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो वो हर कलर की फ्रिक्वेंसी को, बहुत बारीक फ्रिक्वेंसी को भी आइडेंटिफाई कर लेता है बिना देखे। और यहां पर मस्तिष्क में उस कलर का, उस वर्ड का एक इमेजिनेशन बन जाता है और बच्चा देख पाता है। तो हम देखते हैं ये बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इससे बच्चे का जहां फोटोग्राफर मेमोरी डेवलप हो रहा है, उनका कंसेंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, वही बच्चा एक सोशियल भी बनता जा रहा है। बच्चा पढ़ाई में मन लगने लगता है, बच्चे को हर चीज को मेमोराइज करना, याद रखना और एक फोटोग्राफर मेमोरी के रूप में, चित्रों के रूप में चीजों को याद रखना आसान हो जाता है, जिससे उसका एजुकेशन लेवल, सोशल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। जो बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, शैतानी होते हैं, वो एक वर्क को लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, उनका भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आज ये मिडब्रेन एक्टिवेशन एक चमत्कारी प्रोग्राम के रूप में लेके आया है, जिसे आप सीख सकते हैं और सीखकर आप अपने बच्चों को घर पे भी सिखा सकते हैं, या अपना एक इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं, मिडब्रेन का आप अपना संस्थान भी जारी कर सकते हैं। पिछले में करीब 4 सालों से इस प्रोग्राम में लगा हूं और मैं इसके काफी हायर लेवल के वर्जन भी मेरे पास हैं। मैंने अभी बताया है मिडब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, मिडब्रेन, एडवांस मिडब्रेन, क्वांटम स्पीड रीडिंग, टेलीपैथी, TMID, इस प्रकार के और भी हायर लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के और बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो बच्चे को केवल संडे टू संडे ओनली 2 घंटे की क्लासेस देनी होती है और लगभग 10 से 12 क्लासों में मोस्ट ऑफ सब बच्चों का जो ब्रेन है उसका फंक्शन बढ़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और बच्चे बिना देखे भी देखने का सेंस लेने लगते हैं, हर चीज को मेमोराइज करने लगते हैं। तो अगर आप मिडब्रेन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से या मेरे से बात करें, आपको मैं और डिटेल दूंगा। और इसका ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी लेना भी बहुत आसान है, इसका ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, कुछ म्यूजिक है, डांस है, ब्रेन एक्टिविटीज है जो आप कुछ घंटों के अंदर सीख सकते हैं। आप मेरे पास आकर इनका ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपका 1 दिन के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, या आप ट्रेनिंग के लाइव वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मंगा के सीख सकते हैं और इसे आप अपने घर पे अपने बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में सिखाएं और एक नए आयाम को ले नई चीज। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ अगले। नमस्कार।